He wants justice. He wants justice. He wants justice. कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से बिहार के डॉक्टरों में भी आक्रोश है। पूर्णिया जीएमसीएच के डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट ने रविवार देर शाम कैंडल मार्च निकाला और घटना पर आक्रोश जताया है। डॉक्टरों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। डॉक्टरों ने कहा कि देश में डॉक्टरों के ऊपर किसी भी घटना पर सख्त कानून बने ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं कैंडल मार्च में मेडिकल छात्रों को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का भी समर्थन मिला है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर जो वहाँ पीजी कर रहे थे उनकी जगह हत्या हुई है और उनके साथ बलात्कार की भी घटना हुई, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ है। इसके विरोध में आज राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया के सभी छात्रगण एवं चिकित्सक कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि उन्हें न्याय मिले और इस तरह की घटना की पुनः पुनरावृत्ति ना हो। डॉक्टरों को, खासकर महिला डॉक्टर जो कि रात के 2 बजे में भी ड्यूटी करती हैं, किसी महिला की ही जान बचाती हैं और उसके साथ इस तरह की घटना होती है, तो आखिर लड़कियां कैसे सामने आएंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे लोगों की जान बचाएंगी। हम लोग काम करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इस तरह की घटना की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन और लोगों का उग्र होगा। क्या मांग है सर आपको? मांग है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, कानून ऐसे कड़े बने और उस कानून का पालन हो कि डॉक्टरों के ऊपर किसी तरह की घटना होने पे, हमला होने पे या इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति होने से पहले किस तरह की सजा चाहते हैं? फांसी की सजा से कम तो इसमें कोई सजा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक डॉक्टर खुद अकेला डॉक्टर तो होता है, साथ ही कितनी सारी जिंदगियों को बचाने का उसके ऊपर जिम्मेवारी होता है और आप उसी की हत्या कर रहे हैं, तो आखिर क्या चाहते हैं आप? परिचय बता दें। मैं डॉक्टर विकास कुमार जीएमसीएच पूर्णिया से। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसी जो ये चीज़ें हो रही है ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्राइम होना इज रियली नॉट गुड। गाड़ी बढ़ा।